बहुत बढ़िया जो ना क्या होगा इतना मिल जाएंगे इनवादियों कुछ ऐसी जगह छिपे रहता है नीचे से गिरे तो ये छिप रहा हम तो अभी बज रहे हैं सुबह के 10:21 और अभी हम जा रहे हैं आमो के लिए बहुत दिनों बाद हमारे साथ हैं आज तरुण भाई और यहाँ है परवीन और पीछे से आ रहे हैं आज हमारे आमो के लिए जो हमारे कमांडर हैं वो आ रहे हैं अभी तो हम आमो के लिए जा रहे हैं यहाँ से बहुत दूर तो देखते हैं वहाँ कितने आम है और हमको कितने आम मिलते हैं तो इस वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। नमस्ते दगड़ियों, दिस इज सचिन कटहैत एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज की वीडियो होने वाली बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग तो वीडियो अंत तक जरूर से बने रहिए और वीडियो का मजा लीजिए। और जो आम लाने के लिए आज हमको लीड करेंगे वो बहुत पीछे है तो अभी आएंगे वो तो आपकी बात कराते हैं उनसे। और ये हैं गांव के बच्चे। हेलो हेलो बोल हेलो बोल ओ संतु तो हम आमों के लिए जा रहे हैं और हमारे साथ हमारी मम्मी हम गढ़वाली में इनको मैं कहते हैं और आज ये कमांडर है हमारे साथ आमों के लिए कमांडर ये हमको बताएंगे कहाँ से आम लाने हैं क्या कर रहा है ना जो केदारनाथ वाला हाईवे है तो वो बंद चल रहा है आजकल। जो ये वाला रूट है दरमोला वाला रूट तो इस रूट से आजकल गाड़ियां जा रही हैं केदारनाथ की साइड मतलब जो मेन रूट है तो वो बंद हो रखा है तो इस रूट को बाईपास के रूप में आजकल यूज किया जा रहा है तो यहाँ से गाड़ियां जा रही है तो ये जो डोजर जा रहा था अभी ये रोड ठीक करने के लिए जा रहा है क्योंकि रोड बंद चल रही है आजकल क्योंकि बरसात का मौसम है तो ऑब्वियस सी बात है रोड बहुत ज्यादा खराब है आजकल। तो हम आए हैं सीधे वहां से लेके और यहाँ से घूम गए सड़क से और यहाँ तक और यहाँ जाएंगे हम आगे आमों के लिए और यहाँ इस रोड पे प्रॉपर गाड़ियां चल रही है आजकल क्योंकि जो मेन हाईवे है वो तो बंद हो रखा है और नज़ारे देख सकते हैं नज़ारे तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। और इस थैले पे बहुत सारे थैले हैं इसके अंदर जिन पे कि हम आम ले जाएंगे यहाँ से और हम पहुंच चुके हैं अभी रे में रे गांव में जो कि दरमोला का ही हिस्सा है और जो रे गांव है उसके ऊपर में पहुंच चुके हैं हम। अभी हम आ चुके हैं रे गांव में जो कि दरमोला का हिस्सा है और यहाँ पर अनार लगे हुए हैं और सामने पे आम का पेड़ है यहाँ पे। अभी हम रे में पहुंच चुके हैं और यहाँ से हम आम ले जाएंगे तो देखते हैं यहाँ कितने आम मिलते हैं और जितने भी आम मिलेंगे मजा आ जाएगा अगर बहुत सारा आम मिलेंगे। तुम थोके ना मैं और यहाँ देख सकते हैं इतने आम सड़े हुए हैं और ये आम का पेड़ है लेकिन इस पे इतने ज्यादा नहीं है तो हम नीचे जा रहे हैं आमों के लिए। और ये वाला आम का पेड़ मैंने आपको पिछली बार भी दिखाया था लेकिन उस बार हमने निकाले नहीं थे इस आम। लोगों के घरों में तो आम ही आम है यहाँ भी आम यहाँ भी आम यहाँ भी आम तो इतने सारे आम हैं और हम आए हैं वहां से बहुत दूर से तो देखते हैं कितना आम मिलते हैं। और सबसे पहले तोड़ने वाला हम इस वाले पेड़ के आम जो ये लंबा सा पेड़ दिख रहा है तो इस वाले पेड़ के सबसे पहले आम तोड़ते हैं झाड़ेंगे आम या देखते हैं पेड़ पर जाते हैं कि नहीं जाते हैं। आम तो बहुत हो रखे हैं लेकिन निकल पाएंगे या नहीं ये पता नहीं है हमें अभी। और अभी जो है सब आम नीचे गिर चुके हैं जितने भी पके हुए आम थे तोड़ बे और अभी यहाँ सचिन भाई को मिल चुके हैं बहुत ही गजब का पीला वाला आम और आप भी खा सकते हैं स्क्रीन चाट सकते हैं। ओ भाई क्या बोलो तरुण भाई गजब बोलो गजब अब क्या अब पीछे से खा लेते हो ना ये पीछे से खा लेते कितना गजब हो ना पीछे से खा लो खाली। और अभी वहाँ ऊपर पे दो बहुत ही पीले आम है तीन है यार परी उधर तक डंडी पहुंच नहीं पा रही है और यहाँ पर
एक यहाँ पर पिला यहाँ पर पड़ चुका है और एक नीचे है। मैंने इतना सा थैला ला रखा है हम के लिए, तरुण भाई ने इतना थैला ला रखा है, अरविंद ने भी छोटा सा थैला ला रखा है, और अभी हम दिखाते हैं हमारी मैंने कितना बड़ा थैला ला रखा है। तो इतना बड़ा थैला ला रखा है, बड़ा थैला ला रखा मैंने। तो क्या होगा, क्या होगा, इतना आम मिल जाएंगे, इतना आम मिल जाएंगे। ये आम खोजने की कला भी बहुत कम दिखते हैं। और ये आम खोजने की जो कला होती है हर किसी में नहीं होती है, कोई 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 फट फट ही ना सीधा। आम तो बहुत सारे हैं यार, लेकिन इस पे जाना पड़ेगा तभी इससे आम गिरेंगे। और प्रवीण के थैले में कितना आम है, फॉलो प्रवीण। और अब यार देखेंगे मैजिक। और मेरे थैले में देख सकते हैं इतने इतने आम हो चुके हैं, लेकिन अभी और चाहिए हमें। और अब यार बस सचिन भाई लगा रहे हैं, थोड़ा वो ट्रिक लगा रहे हैं। और सचिन भाई पहुंच चुके हैं, तुम दो आम पड़ चुके हैं, तीन, कोई बात नहीं है, बुके बनता चार ये ऐसा हो गया। वो भैया नीचे देख सकते हैं, नीचे हो रही है आमों की बारिश। और आम कुछ ऐसी जगह छिपे रहते हैं, नीचे से गिरे तो ये छिपे आम, और ऐसा आम छुपे रहते हैं नीचे। तो भी मेरे पास हो चुके इतने आम, प्रवीण के पास हो चुके इतने आम, पर उनके पास हो चुके इतने सारे आम। तो एक पेड़ से तो हम आम ला चुके हैं और अभी दूसरे पेड़ पे आ चुके हैं, तो देखते हैं कि आम मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं, नहीं तो ये पन्नी तो भरनी ही चाहिए, अगर ये पन्नी नहीं भरी तो यहाँ बेकार हो जाएगा पूरा सीन। तो ये वाला आम बहुत ज्यादा मीठा है। तो आमों के लिए कुछ इस प्रकार से संघर्ष करना पड़ता है, आसानी से आम नहीं मिलते हैं। गाइस अभी आ चुके हैं हम तीसरी लोकेशन पे, और यहाँ पर दो आम के पेड़ हैं, तो देखते हैं कि यहाँ पर भर जाता है थैला कि नहीं भरता है, क्योंकि थैले भी बहुत बड़े बड़े हैं। और यहाँ पर गदेरा भी बह रहा है, बरसाती गदेरा। तो हमने आम तो निकाल दिया, अभी घर जाते हैं, बहुत सारे आम हो चुके हैं। ना ना खाना ना बहुत सारे आम कौन से इतने हो चुके हैं। तो इतने थैलों पे हम आम ला चुके हैं, और अभी एक थैला हमारी मामी ला रही है उधर से। पर इनका एक छोटा सा थैला है, और कमांडर ने प्रवीण के पास एक बड़ा सा थैला दे दिया है हमारे आम कमांडर ने। गजब बेइज्जती है, गजब बेइज्जती है, गजब बेइज्जती है। और कमांडर साहब ना आप जान सिंह और जान सिंह आप जान सिंह और मैं घर जाना यार। और हमारे जो कमांडर साहब हैं, मैंगो कमांडर, तो उनका थैला देखिए आप, इतना बड़ा थैला। और ये दूसरा थैला, मेरे पास इतना आम है, तो उनके पास इतना आम, और प्रवीण के पास इतना आम। प्रवीण दिखो इतने से आम मेरे पास। तो अभी हम आम लेके आ चुके हैं सड़क में, और सभी आम ला चुके हैं हम, और अभी गाड़ी में जा रहे हैं वहाँ तक, आगे तक। तो आगे तक गाड़ी में जाएंगे और उसके बाद घर जाएंगे, और अभी पिकअप में जा रहे हैं हम आगे तक। और ये है आमों का कट्टा। तो अभी हम आम लेके जा रहे हैं, गाड़ी में जा रहे हैं हम, और आगे तक यहाँ से, और वहाँ आगे तक हम जाएंगे गाड़ी में,
और प्रवीण भाई और ये तरुण भाई। अब प्रवीण भाई ने अभी ट्रक बुक किया इन वादियों में टकरा चुके हैं। नेपाल से आ रहे हैं हम अभी बॉर्डर क्रॉस अभी अभी बॉर्डर क्रॉस हुआ और अभी हम लोग यहाँ पे ऐसे सड़क सड़क बनाने के लिए आए हैं। सड़क बनाने के लिए आए हैं हम लोग। बस 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 बस। और अभी आमों की सफल लैंडिंग हो चुकी है तो अभी हम आम लेके आ चुके हैं। नहीं बोला लिया कि ना छकी। हाँ बहुत आम लेके ना तो बहुत आम ला चुके हैं। तो आप समझो अभी तरुण भाई को भी बहुत आम मिल चुके हैं। मामी को भी अभी आम ला चुके हैं और अभी घर जाते हैं और इन आमों को धोते हैं और उसके बाद इनका सेवन किया जाएगा। मैं तुम कह दी लियानी आम समझो। अच्छा ठीक है तिरजी किनारा आ जा। तो इतने आम लाए हम रेस से इतने आम लाए खोलो ना नहीं होता बाल्टी को बस। तो ये मिट्टी मिट्टी हो चुके हैं पूरे तो देखना होगा इसमें कितने अच्छे आम निकलते हैं। ये नाम छो क्या अब इन आमों को धोते हैं और उसके बाद इनको फ्रिज में रख देंगे। हाँ हाँ अब इन आमों को धोता हूँ मैं और इस पतीली में रख दूंगा और उसके बाद इनको फ्रिज में रखा जाएगा। तो ये है लाल लाल आम पहले इनको धोता हूँ। तो इतना पतीला भर चुका है आमों से। और ये अभी परात में रखेंगे हम ताकि ये सूख जाएं और I'm a bad, I'm a bad, I'm a bad.